हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमाचल रेड राइस चैनल पर स्वागत है। एक बार मैं अजय श्रीवास्तव फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्नेल और स्लग की। स्नेल और स्लग जो हैं ये वैसे तो धान के पेस्ट नहीं होते, धान पर कोई डैमेज नहीं करते, पर कुछ वर्षों से हमने देखा है जो पर्यावरण में चेंज हुआ, क्लाइमेटिक चेंज के कारण ये धान पर भी अटैक करना इन्होंने शुरू कर दिया है और काफ़ी हानि करते हैं। तो पहले इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद मैं आपसे वार्तालाप करता हूँ। धान की फसल पर कई प्रकार के स्नेल और स्लग्स का प्रकोप पाया जा रहा है। पहले धान की फसल पर इन स्नेल और स्लग का प्रकोप नहीं होता था। देखिए स्नेल कैसे पत्तों को छलनी कर रहा है। धान के अलावा और भी कई फसलों पर इसका प्रायः प्रकोप देखा गया है। पिछले दिनों हमने देखा धान की फसल पर कुछ स्लग्स का अटैक हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्रकोप था, पत्तों को डीफोलिएट कर देते हैं, पौधे को पूरी तरह से नंगा कर देते हैं, सारे पत्तों को खा जाते हैं और नुकसान करते हैं। इनके कंट्रोल के लिए कॉपर सल्फेट या मेटल्डिहाइड पैलेट्स का प्रयोग किया जा सकता है। कार्बोफ्यूरोन 0.5% का भी प्रयोग कर सकते हैं।